So shall I start? Only 7-8 students are there. Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. बेटा बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बेटा. मैम धीरे धीरे ज्वाइन होंगे, आप 5 मिनट वेट कर लीजिए. ओके बेटा. सो एक्चुअली यस्टरडे आई हैड डन माय आरटीपीसीआर और वो स्क्रैप किया गया ना, तो आई वाज सफरिंग फ्रॉम सो मच थ्रोट प्रॉब्लम्स एंड हेडेक. That's why yesterday I had not taken your class. Okay. So, though my report is negative, but I am having some breathlessness and throat problem. Don't know whether positive or negative. So, how are you? Are you safe or not? All of you. We are safe. We are safe, ma'am. Actually, I am handling corona patient, na. So I was very doubtful whether I am positive or not. And most of my close relatives, they are dying due to this corona. That is the influence. It influence hota hai na. Yes, ma'am. तो इसके वजह से भी जो है कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं, मेंटली हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं. बहुत से लोगों को जैसा टेस्ट करने भी जाना नहीं है और उनको बाकी का जो है तो ये करते ही नहीं, टाइम पास बहुत करते हैं. मैंने अभी लास्ट वीक में बहुत सारे मेरे पास में यानी कोरोना के ही पेशेंट सैनिटाइज करना ये सब, तो घर में ही क्लिनिक है, बहुत परेशानी हो जाती है. तो हम तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं अभी, वन ऑफ द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ना, है ना? यस यस मैम. इसमें चलो अभी पहले तो हम जैसे बच्चे ज्वाइन होने के तब तक हम लोग इससे रिलेटेड बात करते. तो हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए हम क्या करेंगे? टेल मी व्हाट टू डू टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी. हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या करना चाहिए? तो हमने क्या खाना है, या जैसा भी हम यानी मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर मेडिसिन लेना है तो कौन सी मेडिसिन दोगे? यस एनीबडी, अगर आपको इम्यूनिटी इंप्रूव करना है तो क्या करो? द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू हियर दैट इज द पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिविटी, मेडिटेशन, इट ऑलवेज इंप्रूव योर इम्यूनिटी. मेडिटेशन अगर करते हो, योगा करते हो और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, पॉजिटिविटी मेंटेन रख रहे हो कि नहीं आगे जो है तो अच्छा होने ही वाला है, सब कुछ अच्छा होगा, वी विल बी फाइन, ये सब अगर हमारे माइंड में आता है. मैंने देखो, मैंने 2-3 बार आरटीपीसीआर में कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो है तो पॉजिटिव नहीं हूँ, यानी कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ. मेरा माइंड जो है तो मुझे बोलता है कि नहीं तू नहीं है यहाँ पर जो है तो तुझे, तो इसलिए मैं आइसोलेट भी नहीं हुई. जब जैसे आरटीपीसीआर किया तो मैं आइसोलेट नहीं हुई. मुझे मेरे भैया वगैरह बोल रहे थे कि तू तो आइसोलेट नहीं हुई, फिर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पता है कि मैं सही में भले ही मैं तो अपना डाउट जो है तो वो क्लियर करने के लिए मैं आरटीपीसीआर कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यस मेरा रिपोर्ट जो है तो वो निगेटिव आना है, क्योंकि पॉजिटिविटी मैं मेंटेन कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ. और जो है तो कम्युनिकेबल डिसीजेस मोस्टली जो है तो ये स्प्रेड होने के लिए हमको इसकी ज़रूरत होती है.
और एज पर द डाइट अगर हम कंसेंट करते हैं, देखो दिस ऑल आर ऑल द थिंग्स आई एम टेलिंग यू रिलेटेड विद दिस हमारे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड ये सारी चीजें हैं और आज के सिचुएशन में अभी पैंडेमिक में हमको सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीजें की जरूरत है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो विटामिन्स प्रोटीन्स ये दोनों चीजों की हमको अभी एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा जरूरत है. यानी कार्बोहाइड्रेट तो हमारे खाने में तो रहता ही है, दाल हम लोग चपाती राइस खाते हैं तो उससे तो कार्बोहाइड्रेट मिल ही जाता है, चाय भी पीते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिल ही जाता है ना, कोई ड्रिंक लेते हैं उसमें भी हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, फ्रूट्स में भी रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है तो हमको प्रोटीन की जरूरत है एंड वी गेट प्रोटीन मोस्टली फ्रॉम द नॉनवेज, हमको नॉनवेज से प्रोटीन मिलता है. लेकिन यहाँ पर जो है तो कुछ जैसे फिजिशियंस क्या कहना है इंक्लूडिंग मी ऑल्सो कि यहाँ जो नॉनवेज है तो नॉनवेज इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट, अगर वो लॉन्गर टाइम ले रहा है डाइजेस्ट होने के लिए तो डेफिनेटली हमको जितनी जल्दी वो प्रोटीन मिलना चाहिए उतनी जल्दी वो नहीं मिलेगा. तो बेटर है कि यू टेक मींस एग्स ले सकते हैं एंड इसके अलावा जो है तो हम प्रोटीन हमारे जो घर में एट प्रेजेंट स्टोर्ड है रखे हुए हैं कौन कौन से है, तो जो जो भी ग्रेन्स है हमारे घर में रखे हुए जो है चना है बटाना है, ठीक है, किसी के घर में मूंग होगा मसूर होगा, ये सब जो है तो उसको अच्छा खासा जो है तो स्प्राउटिंग आने दो और उसको लो तो इससे आपका प्रोटीन बढ़ेगा. इसके अलावा नट्स जितने भी नट्स हैं, नट्स यानी ग्राउंड नट्स से भी ग्राउंड नट भी आ गया सेंगदाना, देन ऑलमंड है, उसके बाद में जो है तो काजू कैश्यू नट्स है, अखरोट यानी वॉलनट है, तो ये जो नट्स है इससे भी हमको प्रोटीन मिलता है. तो प्रोटीन प्रोटीनस सब्सटेंसेस खाना बहुत ज्यादा जरूरी है ये सिचुएशन में अगर आपको आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करना है. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं जाना, टेक प्रिकॉशंस, एक्चुअली घर से बाहर ही नहीं निकलना. मैं तो खुद घर से बाहर नहीं निकलती, सिर्फ मुझे जब मेडिसिन या फिर कोई मेरा बहुत ज्यादा क्लोज पर्सन है कि जो हॉस्पिटलाइज है उसको कुछ गाइड करना है उसके लिए मैं बाहर निकलती हूँ, अदरवाइज तो जो है तो कोरोना मेरे घर में ही जाता है क्योंकि पेशेंट मैं घर में ही रहती हूँ. तो इस तरह से यहाँ पर जो है तो हमें एक ये प्रिकॉशन लेना है कि डोंट गो आउटसाइड फॉर एनी पर्पज, जब बहुत ज्यादा सीरियसनेस है देन एंड देन ओनली यू गो आउट and during that time you wear gloves. अब तुम भी medicals हो तो hand gloves जो है वो पहनो, जो face guard आता है अगर if you are going close contact तो face guard आता है वो face guard का use करो, mask लगाओ, patient देखने के बाद में या किसी के contact में आने के बाद में फिर जो है तो अपने clothes change करो, जो gloves है तो उसको remove करो, उसको एक प्रॉपरली डिस्पोज करो. उसके बाद में जो है तो विटामिन्स हमको खाना है. अब विटामिन्स या तो आप मेन तो मेरा कहना ये रहता है कि यू टेक मेडिसिन यू टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर डाइट ओनली, अपने डाइट से ही जो है तो हम ये कर सकते हैं. तो डाइट के लिए हम क्या करेंगे, डाइट में कौन से डाइट से हमको विटामिन्स मिलेगा, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स है तो वो फ्रूट्स से और वेजिटेबल्स से हमको जो है विटामिन्स मिलेगा. लेकिन फिर से मैं कहूंगी कि द वेजिटेबल सेलर्स दे मे हैव कंटामिनेशन, उनको वो कोई अगर जो है तो पॉजिटिव है तो हमको चांसेस है, तो उसको एक प्रॉपर वे से जो है हमने क्या करना है वॉश करना है और फिर हमने उसको कंज्यूम करना है. तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्रॉम दैट यू विल गेट विटामिन्स. अदर देन दिस यू कैन यूज लिमसी नाम की जो टैबलेट आती है
वो हम विटामिन सी के तो लिए यूज कर सकते हैं। खट्टा में जैसे आंवला खाओ, आंवला अगर आपके घर में किसी भी रूप में है, किसी भी फॉर्म में है, चाहे आंवला सुपारी हो, चाहे आंवला कंठी हो जो शुगरी रहती है, या फिर मुरब्बा हो आपके घर में, या अचार भी हो, तो भी आप जो है तो आंवला खाओ, क्योंकि आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट टू रिकवर। रिकवरी करने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। देखो, अगर आपको याद होगा, मैंने फिजियोलॉजी में पढ़ाया था कि कोई लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उस समय में उसको खट्टा खाने की इच्छा होती है। डू यू रिमेम्बर दैट थिंग? यस मैम। हाँ, तो उसको खट्टा खाने की इच्छा क्यों होती है? तो मैंने बताया था उस समय में आप लोगों को कि ये हमारे देखो बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरली ही जो है हमको वरदान है, ऐसा बोलो नेचुरल, कि हमारे बॉडी में कुछ डिस्ट्रक्शन होने वाला होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो हमारे बॉडी में डिस्ट्रक्शन होने वाला जो होता है, टू रिकवर फ्रॉम दैट डिस्ट्रक्शन, वो डिस्ट्रक्शन जो है, तो उससे रिकवर होने के लिए यहाँ पर जो है, तो हमें पहले से ही हमारे बॉडी में हम लोग विटामिन सी खाना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट वी विल गेट अ प्रॉपर रीजन। ठीक है, इसके अलावा जो है, तो आप लोग जैसे घर में नींबू पानी है तो नींबू पानी लो। ठीक है, आप बेर भी खा सकते हो, अगर आपके घर में बेर है तो बेर खाओ। उसके बाद इमली नहीं खाना, इमली दैट इज हार्मफुल, और तो इमली से भी विटामिन सी मिलता है नो डाउट, लेकिन इमली नहीं खाना है अभी एट प्रेजेंट। इट मे लीड्स टू कफ एंड कोल्ड, कफ और कोल्ड हो सकता है, इसलिए उसे नहीं खाना है। और नेक्स्ट प्रिकॉशनरी थिंग्स जो है, तो नेक्स्ट प्रिकॉशनरी थिंग्स बोले तो इसमें जो है आपने क्या करना है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आपको प्राणायाम आता है तो ठीक है, और प्राणायाम आता है तो प्राणायाम करो, भ्रामरी विलोम, ये लोम विलोम का जो है तो वो करो, या नहीं कुछ तो देखो, जब अपन जैसा आलस लेते हैं ऐसे करते हैं, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक्चुअली। ये जो है तो ये एक तरह का भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है, तो वो भ्रामरी प्राणायाम है जिसमें अपन जो है तो एक फोर्सफुली ऑक्सीजन बॉडी के अंदर में लेते हैं, और वो जो है तो CO2 रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई वी मेक साउंड लाइक दिस, करके जो आवाज निकल रही है, तो दैट इज दैट फोर्सफुल CO2। ठीक है, तो ऐसे जब हम यहाँ पर जो है तो ये हाथ ऊपर जाएंगे तब हम इनहेल करते हैं, और फिर यहाँ पर जब नीचे आता है हमारा है तो हम एक्सहेल करते हैं। तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहीं पर भी, जैसे अभी आप बैठे हो, मैं चेयर पे बैठी हूँ अभी, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, लेकिन जस्ट मैंने अभी लंच किया हुआ है तो मैं अभी नहीं कर सकूंगी उसको, कि उसमें कम से कम 3 hours का जो है तो ये होना चाहिए सॉलिड लेने के बाद। ये वाला जो एक्सरसाइज है ये भी कर सकते हो तुम लोग, तो उससे भी ब्रीदिंग अच्छा खासा बढ़ेगा। दूसरी बात, इनहेलेशन करो आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इनहेलेशन करो, गार्गलिंग करो, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर, यानी जो भी आपके घर में पर्सन है या जिसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको आप एडवाइस करो ये सारी चीजें करने के लिए। और उसके बाद में जो है तो हमको जिंक की जरूरत है, तो जिंकोविट जो टैबलेट्स आती है वो आप ले सकते हो, एक जो है तो सीसेट डेली करके गोली आती है जिसमें विटामिन सी विटामिन डी और जिंक का कॉम्बिनेशन है, वो टैबलेट आप लोग ले सकते हो। एक प्रिकॉशनरी करके भी जो है तो 5 अदर टैबलेट वंस इन अ मंथ अगर लेते हैं 5 days के लिए, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड यूर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। ठीक है, ये सारी चीजें करो, और मेन की माइंड फ्रेश रखो, फ्रस्ट्रेशन मत लाओ, तो इससे हमें अच्छा खासा जो है तो रिलीफ मिलेगा।
और किसी को अगर बाय चांस ब्रीथलेसनेस हो रहा है तो क्या करना, ये तो मैंने स्टीमिंग और ये सब बताया ही है, तो अपन अक्सर देखो किसी की पीठ थपाते हैं तो ऐसा फ्लैट हाथ करते हैं क्या बोलो, तो नहीं हम ऐसा करते हैं, अपन कर्व करते हैं ना, और किसी के भी पीठ को थपथपाते हैं ऐसे ऐसे बराबर। तो या बचपन में भी जैसे जो है तो कोई अपने को ही करता, रुको मैं इनको मार रही हूँ, तुम मारते थोड़ी है, ऐसे मारोगे तो लगेगा ना, ऐसे करोगे तो ये कफिंग थेरेपी है एक्चुअली, विच इज यूजफुल टू इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल। अगर किसी के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इस तरह से ऐसा पीछे में जो है तो आप ये ऐसा कफिंग करो, ऐसे मारोगे डेफिनेटली उनकी ऑक्सीजन लेवल जो है तो वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, विच विल बी हेल्पफुल। अभी दो दिन में जो है तो मेरे जैसे रिलेटिव्स जो है तो एक्सपायर्ड हो, तो अपने को भी ऐसा इनसिक्योरिटी जब फील होती है तो ऐसे समय में ये छोटी छोटी बातें जो है तो हमको एनकरेज करती है। ओके तो डू व्हाट टोल्ड यू, ये कैसा है कि हम डेफिनेटली इससे रिलेटेड है और हमको ऐसा लगता है कि हमने दूसरों को भी इस बारे में जो है तो एडवाइस करना चाहिए, इसलिए मैंने ये आपको बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो हमारा सिलेबस जो है उसमें मैंने बताया आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम, ये जो है तो ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो छोटा टॉपिक है तो वो है न्यूक्लिक एसिड, तो दैट वी विल स्टडी। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड जो है, अब न्यूक्लिक एसिड ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, स्पेशली इन द 10th एंड 12th, ठीक है, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो है, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, जब अपने को कोई पूछे तो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दे आर द चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, तो दैट आई एम टेलिंग यू फर्स्ट नाउ, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आर यू एबल टू सी दिस बोर्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, nucleotide भी कैसे क्या बनता है? तो देखो, nucleotides कैसे बने? ठीक है? This is sugar molecule. ये शुगर मॉलिक्यूल है जिसमें यहाँ पर फर्स्ट कार्बन यहाँ रहेगा, सेकंड कार्बन विल बी हियर, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड दिस विल बी द फिफ्थ। ठीक है, तो हियर फाइव कार्बन्स विल बी प्रेजेंट इन द शुगर मॉलिक्यूल एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ पेंटोज शुगर, इट इज द पेंटोज शुगर। ये जो है दिस इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, जो राउंड फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो ये पेंटोस शुगर में व्हेन ऑन दिस फर्स्ट कार्बन व्हेन नाइट्रोजनस बेस जो है, तो नाइट्रोजनस बेसेस दे आर ऑफ फाइव टाइप्स एक्चुअली। Nitrogenous bases, they are categorized into two types. इसको पहले तो दो टाइप में कैटेगराइज किया है, one is purine and the second is pyrimidine. One is purine and the second is pyrimidine. So what do you mean by purine? So purine means when the nitrogenous bases they will attach by double bond. ठीक है, तो देन इट इज कॉल्ड एज प्यूरिन्स एंड देन देयर विल बी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट
in between the nitrogenous bases, then it is called as pig. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. So these furans, they are of three types. ये three types के होते हैं. One is adenine. Second is guanine. Only these are of two types, not three types. And what about the pyrimidine? Pyrimidine, they are of three types. One is cytosine, second is then thymine and uracil. Thymine and uracil. Thymine. Okay. So from these five nitrogenous bases, if anyone will attach to this first carbon, suppose I am writing here A means adenine, then the structure means pentose sugar plus nitrogenous base will be there, which we write as NB. So it will form nucleoside. It will form nucleoside. I think my spelling is nucleoside. Okay, and when this nucleoside when the phosphate group attach on the third carbon when the phosphate group will attach, then that structure is called as nucleotide. So nucleoside. Nucleoside plus phosphate group. Okay, so this will form what? This will form nucleotide. Okay, and from this nucleotide, nucleic acids are. Do you understood? Yes. समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. So here, this nucleic acid, these are the polynucleotide. So nucleotide will contain three components. What are they? Pentose sugar. Then second is nitrogenous base. So these nitrogenous base, they may be of five types. And out of five types, one of the nitrogenous base will be present in first carbon group, and then phosphate group when it will be attached. So that structure is called as nucleotide. Okay, so this nucleic acids, they are of two type, DNA and RNA. What is the full form of DNA? Ribonucleic acid. So deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid, these names are given on basis of what? So these names are given on basis of the which type of pentose sugar is present in it. Okay, if it if the pentose sugar will be ribonucleic acid, ribolase, so then it is called as ribonucleic acid. And if the pentose sugar contain deoxyribose pentose sugar, then it is called as DNA, that is deoxyribonucleic acid. Okay, samjha? Yahan tak samajh mein aaya beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then here, these RNA and DNA,
out of this, DNA is very important for what? So DNA, they are very important because they are the chemical basis of heredity. They carry some hereditary character from one generation to another generation. Then here, then what is the main function of RNA? So the main function of RNA is protein synthesis. Just now I had discussed the protein, we need protein to fight against this COVID. So definitely protein is required for growth. It is called as bodybuilding food because it is required for growth. Secondly, this protein is required to repairing purposes. It is required for repairing purposes. Means, kaise? So when destruction, when any foreign body that will enter हमारे body में जब enter करते हैं, हमारे body में वो enter करने के बाद में definitely हमारे body को normal रखेंगे क्या वो? तो no. They may destroy some cells or tissues. To repair that tissues or structure, we need what? We need this protein. So this protein we get from the definitely from the food, but it is again synthesized in the body because these proteins, they are required for so many purposes that we will discuss when we will discuss protein. Okay, so here this RNA is responsible for the synthesis of protein. Okay, so do you know how this nucleic acid is discovered? So here, firstly, I don't remember the name of that scientist, but when he was observed, he had obtained the fluid from the nucleus. He observed that it is acidic in nature, and so the nucleic acid, as it was present in the nucleus, so the name was given nucleic acid. Okay, so this afterward it was discovered that again some nucleic acid it is present in the cytoplasm also, so that was discovered as a RNA. Okay, so here Avery, MacLeod and McCarthy, in 1944, they had demonstrated experiment regarding DNA, and which get confirmed that DNA, it is a genetic material which is responsible to carry genetic information from one generation to another generation, and it is called as the transforming factor for one generation to another generation. For example, if I am having some features or some qualities or some diseases like my parents, that is due to because this DNA, when the fertilization process takes place, so that time this genetical informations through their DNA that will get transferred to the next offspring, and in this way as it is transferring, it is called as transferring factor. Yani ye kuch achhi karte hai, kuch hamare liye harmful aise bhi jo hai jo transferring karta hai. For example, ki kuch hereditary diseases jo hote hai, that hereditary diseases are again transmitted through this DNA, hai na? And some qualities agar humme hai, so that quality is also transmitted through this DNA. Do you understood beta?
यस मैम एक्चुअली यहाँ पर जो है तो हवा ही नहीं लगती और कूलर लगाओ तो आवाज नहीं आता, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए. तो हियर नाउ आर टॉपिक एज वी हैव टू स्टडी हियर केमिस्ट्री है ना. तो हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट फर्स्टली द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए. जस्ट आई हैड टोल्ड यू purines and pyrimidines, but here I had not told you which one is present in the DNA and which one is present in the RNA. So let's see now first. Okay, so here in DNA, adenine, guanine, cytosine and thymine, these four nitrogenous bases are present. Which one? Adenine, guanine, cytosine and thymine. These four nitrogenous bases, they are present in DNA. What about RNA? So in RNA, adenine, guanine, cytosine. Instead of thymine, uracil is present. Instead of thymine, uracil is present. So these are the main factors or nitrogenous bases by which we can easily distinguish that DNA components and the okay. So there are four monomeric units of DNA. So they are the adenolate kyun rahega, as when it will contain adenine then it is called as adenolate, when it will contain guanine then it is called as guanylate, when it will contain cytosine then it is called as cytylate, and when it will contain thymine then it is called as thymilide. ठीक है. तो these are the main four monomeric components or units of the DNA. ठीक है. तो ये जो monomeric units है they will form a single strand. They will form a single strand of DNA. But as per our knowledge, this DNA, they are the double-stranded structure, है ना? So these double-stranded structure, how they will form? They will form when the two strands, they will twist. So they will form the double-stranded structure. तो यहाँ पर कैसे है कि ये मैंने जो बताया कि एक जो है तो थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन, तो जब भी जैसे ये जो स्ट्रैंड बनता है तो ये स्ट्रैंड में डेफिनेटली जब ये नीचे नीचे जॉइन होंगे तो देखो ये कैसे जॉइन होते हैं. यहाँ पर जो है तो फिर से अगर मैं एक पेंटोस शुगर बनाती हूँ, 4C and this one will be the 5C. ठीक है. तो यहाँ like this it will attach like this. ये 5C जो है इस तरह से अटैच होगा ऐसे. This is the 5C. ठीक है. तो like this they will held to each other. जो तो अगर हम ऐसा ही कंटिन्यूएशन में करते जा रहे हैं तो यहाँ 5C देखो ऊपर के साइड में है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और थर्ड जो है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया. ठीक है. तो मोनोमेरिक ये जो यूनिट्स है तो ये सिंगल स्ट्रैंड जो है पहले डीएनए का फॉर्म करेंगे, तो ये इस तरह से जो सिक्वेंस जाएगा तो ये डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होगा, और ये जो है तो यहाँ अभी जो मैंने बताया कि ये थर्ड और फिफ्थ इस तरह से जो है तो ये जो बॉन्ड बना है इसको क्या कहा जाता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है. दिस इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय थर्ड एंड द फिफ्थ. डू यू अंडरस्टूड बेटा? यस मैम. यस मैम.
तो हियर जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट है डीएनए के, ये जो है तो ये जो सीक्वेंस बना होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके एंड हेलो. यस मैम. यस मैम. ऑडिबल हूँ ना बेटा? यस मैम. इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई तो वाईफाई चले गया. सो यहाँ पर जो है तो ये जो पॉलीमर रहेगा, पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, जब ये यूनिट्स जो है तो ये कंबाइन हो रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर. एक जो न्यूक्लियोटाइड था तो वो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमर. ये जो पॉलीमर है तो इसमें हमें क्या दिखेगा, वी सी दैट इट कंटेन पोलैरिटी. पोलैरिटी मींस दो पोल, जैसे अपन साउथ पोल नॉर्थ पोल बोलते हैं, तो उस तरह से यहाँ पर देखो एक फिफ्थ एंड और एक थर्ड एंड है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज पोलैरिटी. यानी जो फिफ्थ एंड होता है तो वहां पे जो है तो हाइड्रोक्सिल जो थर्ड एंड है उस वहां पे जो है तो OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और जो फिफ्थ एंड है तो वहां पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. तो इस तरह से यहाँ पर जो है तो हमें पोलैरिटी इसमें देखने के लिए मिलेगी. यहाँ पर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो है तो इसमें अवेलेबल है, मोनोमेट्रिक यूनिट में अवेलेबल है ये पॉलीमर्स में, इसीलिए जो है तो इसका जो रेप्लिकेशन होगा. ओके वो हाई डिग्री का, दैट विल बी ऑफ हाई डिग्री. ठीक है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है तो इन डीएनए मॉलिक्यूल में जो कॉन्सेंट्रेशन है एडिनोसिन का, एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स का जो है, तो वो किसके इक्वल रहेगा, तो थायमिन के इक्वल रहेगा. तो दैट्स व्हाई वी शो इट लाइक दिस, यहाँ पर एडिनोसिन इसमें जो है तो हमको डबल बॉन्ड दिखेगा, so that will always equal with the thymine. or and the concentration of guanosine, jo guanine hai to guanine ka concentration yahan pe triple bond hota hai, so that will always equal with what, the cytosine which is represented by capital C. theek hai, to this accelerated ye jo process hai this was discovered by Watson and Crick. He had made one model regarding this DNA structure, and the scientist Wilkin, they had also helped. He had also helped them to make that model. So, वो जो model बना था, तो that was contain double stranded structure. ठीक है? तो जो second strand रहेगा, just जैसा मैंने अभी आप लोगों को कहा कि यहाँ पर एक स्ट्रैंड जो बना है तो दैट विल कंटेन न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड जो है तो व्हेन दे विल गेट लिंक विद ईच अदर तो दे विल फॉर्म अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, तो वो सिंगल एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म हो गई. अब दूसरी जो चेन फॉर्म होगी तो दैट विल ऑल्सो कंटेन सेम न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड की ही रहेगी, बट वॉट विल बी द डिफरेंस देन, तो द डिफरेंस विल बी दैट look here. ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंस रहेगा तो सपोज ये वाली जो है तो एक चेन हो गई,
like this. Are you able to see? You should yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो है तो अगर एक स्ट्रैंड है तो सेकंड स्ट्रैंड में क्या रहेगा तो दैट विल बी अपोजिट मींस ये जो है तो एक दूसरे को पैरेलल तो रहते हैं लेकिन एंटी पैरेलल कहा जाता है एंटी पैरेलल मींस अब देखो मैंने ये अगर उल्टा बनाया तो दिस विल बी द फर्स्ट वन सी दिस विल बी सेकंड सी दिस विल बी थर्ड सी दिस विल बी फोर्थ सी एंड देन एस सॉरी ये 4C हो गया और दिस विल बी द 5C ये 5C हो गया है ना तो यहां पर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा फिर से जो है तो ये सेकंड जो रहेगा इस तरह से आएगा तो हियर इट विल अटैच लाइक दिस अब यहां ये फर्स्ट वाला कार्बन है ये यहां पे फर्स्ट वाला है तो यहां पर अगर एडेनिन है तो दिस एडेनिन इट विल ऑलवेज मेक पेयर विद द थायमिन जस्ट नाउ मैंने बताया सपोज यहाँ पर साइटोसिन है तो साइटोसिन ग्वानिन के साथ या ग्वानिन साइटोसिन के साथ में तो दैट विल मेक पेयर लाइक दिस एंड इन दिस वे यू विल सी द स्ट्रक्चर तो यहाँ पर जो है तो ऐसे यहाँ पे फिर से फॉस्फेट ग्रुप रहेगा और ये इसको अटैच होगा एंड लाइक दैट सर नीचे लेना पड़ेगा मुझे ये यहाँ पर आना चाहिए इसलिए आर यू एबल टू अंडरस्टूड मैम थायमिन है तो यू विल गेट एडेनिन लाइक दिस इस तरह से रहेगा अगर ठीक है ना तो यहाँ पर अगर हम पोलैरिटी देखते हैं तो यहाँ पोलैरिटी यहाँ पे फिफ्थ एंड है यहाँ पे फाइव सी ऊपर दिख रहा है and third C you will see on the downward so एक direction जो है तो that will be fifth to third रहेगा तो ये opposite रहेगा यहाँ पर third C ऊपर है देखो तो this will show third to fifth और यहाँ पे fifth to third इस तरह से जो है तो आपको ये दिखेगा इनकी जो polarity है तो वो दिखाई देगी okay understood Yes, ma'am. Okay. So these two strand, they are always attached with each other. जो Crick model जो बना है Watson और Crick model, so how they show it like this, like that, है ना? तो यहाँ पर ये जो strand है इस तरह से है देखो इस तरह से बना हुआ है और इनसाइड दिस नाइट्रोजन द पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस विल बी प्रेजेंट एंड द फॉस्फेट ग्रुप इट विल प्रेजेंट बैकवर्ड आउटसाइड में जो है तो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा अब वो आउटसाइड में प्रेजेंट है तो इट विल फॉर्म द बैकबोन ऐसा कहा जाता है तो व्हेन ये जो है तो ये जब ट्विस्ट होते हैं तो डेफिनेटली ये ट्विस्ट होते हैं तो ये ट्विस्टिंग हमेशा एक जैसे नहीं रहेगा समवेयर इट मे बी ट्विस्ट डीपली समवेयर इट मे बी ट्विस्ट शैलो तो उसको जो है तो हम अगर वो शैलो है तो उसको माइनर ग्रुप एंड इफ दे आर डीप तो देन इट इज कॉल्ड एज मेजर ग्रुप दिस इज कॉल्ड एज द बैकबोन हियर द फॉस्फेट ग्रुप विल बी प्रेजेंट एंड इनसाइड नाइट्रोजनस बेसिस दे विल फॉर्म द bond in between as they are attached with each other by which bond the hydrogen bond वहाँ पर जो है तो hydrogen bond present है and between these purines and pyrimidines ठीक है तो जो pairing जो है purine and pyrimidine nucleotide का तो वो हमेशा opposite side में ही रहेगा और you will find always कि in DNA These nitrogenous bases they are always present in pair form, and adenine will always make a pair with the thymine with the double hydrogen bond, and guanine and cytosine they will make pair with the triple hydrogen bond. समझ में आया? ठीक है? And the मैंने जो बताया था अभी आपको कि anti parallel रहेगा and they will always show the direction opposite जैसे फिफ्थ टू थर्ड रहेगा एक का तो एक का थर्ड टू फिफ्थ डायरेक्शन रहेगा तो
दिस टाइप ऑफ जो स्ट्रैंड रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज एंटीसेंस और द कॉम्प. ठीक है, तो एंटीसेंस फॉर्म का जो है तो हम लोगों को स्ट्रैंड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, थ्री नाइट्रोजन बॉन्ड्स. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि थ्री नाइट्रोजन बॉन्ड, सॉरी नाइट्रोजन बोल रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी प्रेजेंट इन बिटवीन गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड द साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, है ना. एंड हियर टू हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी प्रेजेंट बिटवीन एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड थायमिन न्यूक्लियोटाइड. तो बिकॉज ऑफ इट हियर यू व्हाट यू विल सी कि द स्ट्रॉन्ग द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विल बी गुआनोसिन एंड साइटोसिन. क्यू? बिकॉज थ्री बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर. As three hydrogen bonds are there, so it require lot of energy to break. उसको break करने के लिए energy ज़्यादा लगेगी. The bonding between the guanosine and cytosine is more. So it is considered as it is 50 times more than the adenine and thymine bond. ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर जो है, तो ये जो पीच प्रेजेंट है इसमें, तो हर यानी जो पूरा पीच एक टर्न जो हो रहा है, ये जो टर्न हो रहा है तो दैट टर्न इज इन 3.4 नैनोमीटर. ठीक है, तो ये जो 3.4 नैनोमीटर में जो टर्न हुआ है तो इट कंसिस्ट ऑफ 10 नाइट्रोजिनस बेसिस इनसाइड. तो उसके बीच में 10 नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है. डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर जो है तो ये अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है तो वो सॉल्यूशन में जो है तो ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मेल्ट होने लगेगा. ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है तो इसमें प्रॉपर्टीज होती है लाइक अ फाइबर एंड इट इज विस्कस मटेरियल in the solution. It loses its viscosity when denaturation process takes place. तो ये viscid होता है. Viscid means गाढ़ा होता है. और इसकी जब denaturation की process होती है तो that time it will lose its viscidity जो है, तो जो viscous fluid है तो it वो lose हो जाएगा. It will become एकदम watery fluid के जैसे होने लगेगा. ठीक है, मेजर और माइनर ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया है कि मेजर और माइनर ग्रुप जो है तो वो अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं. उसके बाद में जो है तो कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं तो इन सम बैक्टीरियाज और इन सम बैक्टीरियोफेजेस तो दिस डीएनए कंटेन टू एंड्स जो रहेंगे डीएनए मॉलिक्यूल्स के दे जॉइन टू क्रिएट अ क्लोज सर्कल. वो जो है तो एक क्लोज सर्कल फॉर्म करते हैं. ठीक है, उसमें टर्मिनल्स नहीं रहते हैं. दिस डज नॉट डिस्ट्रॉय द पोलैरिटी. वो पोलैरिटी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे. ठीक है, बट दे विल एलिमिनेट थर्ड एंड एंड द फिफ्थ एंड जो रहेगा तो वो एलिमिनेट कर सकते हैं. उसके बाद में यहाँ पर जो है तो उनमें नियर अबाउट 1600 टू 1900 न्यूक्लियोटाइड्स जो है तो वो प्रेजेंट होते हैं. मॉलिक्यूल्स जो है तो अच्छे खासे लॉन्ग होते हैं. उनकी लेंथ जो है तो 250 टाइम्स ग्रेटर रहती है ब्रेड्थ से. जो ब्रेड्थ है तो वो कम होगी, जो लेंथ है दैट विल ऑलवेज मोर. इट्स स्ट्रक्चर इज कॉम्प्रेस्ड. उसका स्ट्रक्चर जो है तो दैट विल बी ऑलवेज इन द कॉम्प्रेस्ड फॉर्म. तो ड्यू टू हीट और ड्यू टू एसिड और ड्यू टू सम अल्कली तो दिस डीएनए विल बिकम डीनेचर्ड. मींस डीनेचुरेशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस हीट और ड्यू टू एसिड. ओके, और इट मे बी ड्यू टू द अल्कली. डू यू अंडरस्टूड बेटा?
Yes. You understood this one? Yes, ma'am. Okay. Here in nucleus, chromatin network is present, as you know. Even you will see under a microscope. Okay. So what you will see, the nucleus will contain some thread-like appearance like that. So that thread-like appearance is nothing but the chromatin network. So what is chromatin? Chromatin, it is nothing but the chromosomal material. These chromosomal material, they are extracted from cell nuclei. Okay. So it consists of double stranded structure. DNA का जो double stranded structure होता है वो होता है and it is always equal to the mass of histone. It is equal to mass of histone. What is histone? It is the protein which binds the DNA. जो DNA को bind करने वाला जो protein होता है that is called as histone. तो this chromatin it is most probably equal to the mass of histone as well as it is also equal to the non-histone proteins and small quantity of RNA. Okay, so here it contains near about 10 nanometer repeating unit, and this repeating unit it will consist of 200 base pair. ये इसमें जो है तो 200 base pair means जो adenine thymine guanosine cytosine और vice versa ये जो pairs है that is called as base pair and these base pair they are mostly 200 base pairs are present. Okay, do you understood beta? Yes ma'am. Okay. So I want to stop because I am having some problems. So on Monday we will see about the RNA. I hope you understood this one. समझ में आया कि नहीं आया? Yes. Yes, ma'am. पक्का ना? Okay. So tomorrow we will see. Day after tomorrow we will see about the RNA and types of RNA and all that. Okay. Thank you, beta. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.